गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। आज मैं आपको बताऊंगी गॉम्फ्रिनों के जो सीड होते हैं उन्हें किस तरह से इकट्ठे कर सकते हैं। अगर आपको ग्रो करना है तो ग्रो भी कर सकते हो, अभी चाहो तो स्टोर भी करके रख सकते हो। ये देख रहे हो, ये प्लांट भी पुराने होने लगे हैं क्योंकि जितने भी पिंक थे वो अब सब उस वाइट वाइट से हो रहे हैं। ये देखो, ये इसका जो बॉल गिर गया था, फ्लावर बॉल, उसमें देखो कितने ढेर सारे स्प्राउटिंग शुरू हो गई है, सारे सीड जर्मिनेट होने लगे हैं, है ना। तो अगर आपको जर्मिनेट करने हैं फिर से तो आप अभी लगा दो, और नहीं करने हैं तो आप स्टोर करके रख दो, क्योंकि अब बारिश शुरू हो गई हैं और फिर सर्दी आने वाली होंगी। फिर ये है गॉम्फ्रिनो प्लांट, गर्मियों का प्लांट है, तो अभी सर्दी आने वाली है, अगर 2-3 महीने अगर फ्लावरिंग लेनी है तो आप लगा सकते हो। और ये देखो छोटे छोटे से ढेरों सीड्स निकलने लगे हैं, है ना। ये फ्लावर जो है टूट कर गिर गए हैं सूख के, तो उसी में ये सारे सीड निकलने लगे हैं, सारे जर्मिनेट होने लगे हैं। तो इन सारे सीड्स को अगर आप चाहो तो स्टोर करके अभी रख सकते हो, क्योंकि बारिश का सीजन है। तो और ये कुछ पुराने प्लांट होते जा रहे हैं जिसमें बिल्कुल बर्ड्स आनी बंद हो गई है, न्यू फ्लावर आने बंद हो गए, तो मैंने निकालना शुरू कर दिया है। और आप चाहें तो नए प्लांट भी लगा सकते हो, अभी 2-3 महीने फ्लावरिंग होगी। और जितने भी सूखे सूखे हैं, ये पिंक वाले नहीं चाहिए, जैसे ये पिंक कलर है तो पिंक नहीं चाहिए, पिंक के नीचे जो ब्राउन ब्राउन है वो ले लीजिए। जैसे ये वाला है, ये अभी कच्चा है, और इसके पीछे की साइड में जो है ये इस तरह से ये सारे सीड हैं। तो हम इन्हें स्टोर करके रख लेंगे। ये देखो कुछ मैंने पहले ही डाल दिए थे ऐसे तोड़ के, तो ये काफ़ी है, कई पॉट में मैंने डाले थे, कई निकल आए हैं। इस तरह से आप जर्मिनेट करना चाहो तो जर्मिनेट कर लो, पुराने उखाड़ के फेंक दो, नए लगा दो। और ये देखो सारे सीड में से धूप लगा दूँगी थोड़ी सी, इससे क्योंकि मॉइस्चर है, अभी बारिश हो रही है, मानसून चल रहा है, कल शाम को बारिश हुई थी, तो ये बारिश हो जाती है तो सीड भी गीले होकर बेकार हो जाते हैं, गल जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो आप इस तरह से स्टोर करके, निकाल करके, धूप लगा के स्टोर करके पॉलीबैग में रख लो, फंजीसाइड के साथ रखिएगा, ऐसे नहीं, खूब अच्छे से सूख जाए, ड्राई हो जाए तब रखिएगा। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये देखो मैं ये सारे जितने भी वेस्ट हैं सब मैं इसमें रखी जा रही हूँ अपने कंपोस्ट बनाने के लिए। तो इस तरह से कंपोस्ट भी बना लो, जो पुराने प्लांट है उसे उठा उठा के अपने कंपोस्ट बिन में डाल दो, इस तरह से कंपोस्ट बना लो। अगर कंपोस्ट बनाना नहीं चाहते हो तो इसमें आप प्लांट भी लगा सकते हो मिट्टी डाल के ऊपर से। तो ये देखो खूब अच्छे से ग्रो हो गए, कई कई पॉट में मैंने ऐसे सीड स्प्रिंकल कर दिए थे, तो ये हो गए। तो मैं इन्हें ट्रांसप्लांट कर दूंगी, क्योंकि इसमें ग्लोडियस लगे हुए तो ये चल नहीं पाएंगे ग्लोडियस फिर। और ये देखो ये भी टूट के गिर गई है। तो इस तरह से आपके जो सीड हैं वो वेस्ट हो जाएंगे अगर आपने अभी नहीं करोगे, कलेक्ट नहीं करोगे तो। तो इस तरह से आप सारे ब्राउन हो गए हैं जितने भी, ये वाला अच्छा है अभी चल रहा है तो इसलिए उखाड़ा नहीं है, और दूसरा उखाड़ दिया है। तो इस तरह से आप स्टोर करके रख लो, वरना सारे सीड बेकार हो जाएंगे और नेक्स्ट ईयर के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह के रख लो। नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।